अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाही सिलाई सेंटर। गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ गोल स्कार्फ की कटिंग का तरीका। मुझे किसी बाजी ने कहा है कि गोल स्कार्फ की कटिंग का तरीका जो है वो बता दें। गोल स्कार्फ वो है जो हम मतलब हमारी बच्चियाँ जब सपारा पढ़ने जाती हैं मदरसे वगैरह, तो जर्सी का कपड़ा जो है वो गर्मियों में स्कार्फ जो है वो लिया नहीं जाता, बाजार से मिल जाते हैं रेडीमेड। लेकिन मैंने ये लिनन का कपड़ा लिया है, नरम सॉफ्ट, जो गर्मी के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। इसका स्कार्फ जो है वो खुद घर में तैयार आसानी से किया जा सकता है। तो चले आए, चलते हैं कटिंग की तरफ। ये डेढ़ गज कपड़ा है, फुल साइज का स्कार्फ बनाना है। डेढ़ गज कपड़ा लिया है मैंने। डेढ़ गज कपड़े को हमने ऐसे हाफ करके ऐसे कुछ इस तरह से पकड़ते हुए हमने तय लगा लेनी है। इस तरह ये किनारे वाला हिस्सा है, किनारे वाले हिस्से को तय लगाते हुए आप इस तरह इसे बिछा लें नीचे। ये स्कार्फ की हमारी फ्रंट साइड बनेगी और यहाँ से हम इसकी राउंड शेप का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी बैक साइड बनेगी। तो मैं आपको निशान लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम इस स्थिति को नाप लेते हैं, ये 28 इंच है। तो फिर हम इस जगह पे निशान लगाएंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन जो है वो 7 इंच पे हम आधा इंच जो है वो मार्जिन बढ़ाते जाएंगे। ये 7 इंच है तकरीबन, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ आ जाए तो आप 29 इंच पे निशान ले जाए। इसी तरह आगे से फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 इंच का फासला और 29.5 कर लेंगे हम। 28 इंच से तैयार हुआ था, हमने 3 निशान लगाए हैं, 1, 2 और 3। 28 इंच था, फिर 28.5 होगा, 29 हो गया, 29.5। जब तक हम बैक पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह ये हमारा निशान जो है ये 2.5 से 3 इंच जो है फ्रंट से लंबा हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। ये देखें, फिर 7 इंच के निशान पर है। तो 29.5 था, तो अब हमने 30 कर लिया यहाँ, ठीक है, 30 पे निशान लग गया। अब बैक साइड का जो है फिर 7 इंच पे आते हैं तो ये वाली जगह बनती है, 30 इंच था तो 30.5 हो गया, 30.5 पे निशान। और यहाँ जो है 31 पे निशान। 28 से स्टार्ट हुआ था गाइस हमारा निशान और अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक जाते तक मैंने आपको बोला था कि 2.5 से 3 इंच हो जाएगा, तो ये हमारा निशान जो है वो 3 इंच हो गया। अब ये जो निशान लगाए थे इन निशानों को कुछ इस तरह से हम आपस में मिलाते जाएंगे तो हमारा ये सर्कल बहुत प्यारा सा बन जाएगा। फ्रंट साइड छोटी, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि फ्रंट साइड सिर्फ 28 इंच है और बैक पे जो है वो 3 इंच बढ़ क्यों गया। तो उसकी वजह ये है कि हमारे जो कपड़ा हमारे जो सर के ऊपर से गुजरना है वो जो है वो यही 3 इंच है। जब स्कार्फ तैयार होके हम लेंगे इंशाल्लाह हमारा स्कार्फ जो है वो बहुत गुलाई वाली शेप में आएगा। इसको कटिंग करना भी बहुत आसान है और सिलाई करना उससे भी ज़्यादा आसान है। मैं इसकी कटिंग करके अब आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे राउंड शेप में जो है स्कार्फ की ये हाफ तय है, कटिंग लगी हुई है। मैंने आपको बताया था किनारे की तरफ से हमने इसकी 1.5 गज की जो है हाफ तय लगाई थी। फुल खुल के हमारा स्कार्फ कुछ इस लुक में है, बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला कटता है वैसे ही कटा है। लेकिन अम्ब्रेला जो है वो हर तरफ से सेम आ रहा होता है, हमारा जिस तरफ से बंद है उस तरफ से 3 इंच बढ़ गया। अब यहाँ माथा पट्टी लगेगी। माथा पट्टी लगाने के लिए पहले हम यहाँ सेंटर में इसके कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद मैंने माथा पट्टी बनाने के लिए ये नेट ली है। माथा पट्टी हम इस नेट की बनाएंगे, तभी आपको बनाकर उसकी तय कुछ इस तरह लगाएंगे। ये नेट की तय मैंने लगा ली है, ठीक है, ये है। ये देखिए मैंने 4.5 इंच लगाई है इसकी तय, इसको मैंने डबल कर लिया है, ये देखिए ये डबल है। अब यहाँ से हम 4.5 इंच से शुरू करेंगे इसकी कटिंग और इस तरफ को जो है वो मैं 3.5 इंच निशान लगाऊंगी। आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, 4 इंच ये हिस्सा बन जाएगा, 3 इंच ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये स्कार्फ के ऊपर माथा पट्टी लगने लगी है, इसको कुछ इस तरह से 4.5 को 3.5 के साथ इस तरह हमने मिला देना है कि हमारी ये जो माथा पट्टी है कुछ इस तरह से कट के सामने आएगी, आप देख सकते हैं। अब इसके भी सेंटर में हम यहाँ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आ जाए मशीन की तरफ तो हम सिलाई करते हैं इसकी स्टार्ट। ये देखें गाइज, हमने यहाँ सेंटर में जो है ना सीधी किनारे वाली साइड थी वहाँ सेंटर में हमने ये कट लगाया था और अभी जो माथा पट्टी की कटिंग की है उसके भी सेंटर में हमने ये देखें ये कट लगाया हुआ है। इस कट को कस्ट के ऊपर रखते हुए हमने इसको इसके साथ जो है ज्वाइंट कर देना है।
दूसरी तरफ भी हमने पकड़ के ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ की सिलाई स्टार्ट करने के लिए आप ये दोनों किनारियों को यहाँ से सीधी वाली जो थी फ्रंट साइड का नीचे वाला हिस्सा, इसको बराबर पकड़ते हुए ऐसे ले जाएं। ये नाप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा ये जो माथा पट्टी है ये बराबर आ जाए। तो ये देखें, ये यहाँ आ रही है इस साइड की, तो इसको हम बिल्कुल इसके ऐसे बराबर करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। यहाँ से माथा पट्टी है ये देख लें स्टार्ट, और माथा पट्टी से तकरीबन 5 इंच नीचे से हम ये पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ये पाइपिंग इसलिए लगा रही हूँ ताकि माथा पट्टी जो है वो कवर हो जाए, उसकी नेट की सिलाई जो है वो नजर ना आए। ये देखिए गाइस, जो सिलाई लगाई थी वो अंदर कवर हो चुकी, उसके ऊपर मैंने ऐसे कवर जो है पाइपिंग कॉटन की ली थी वो लगा दी है। अब इसको इस तरह करते हुए मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। गाइस ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस स्कार्फ के साथ हमारी ये जो माथा पट्टी है वो अटैच हो चुकी, ठीक है, ये आप देख लें। अब इसको सिर्फ एक काम रह गया है, ये नीचे वाली किनारियों को पकड़ें, इन दोनों को बराबर पकड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। गाइस ये बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे लिए कोई अच्छा सा कमेंट छोड़ें। सिलाई लगाते हैं। माथा पट्टी को बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए ऐसे फोल्डिंग करके, तो 9 इंच तक हम नॉर्मली हम 9 इंच तक जो है ना ये वाला फेस वाला हिस्सा रखेंगे, फेस के राउंड शेप के लिए, जहाँ उसका फेस फिट आ जाएगा जो स्कार्फ पहनेगी वहाँ तक हम ला के इसको यहाँ पक्का कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये देखें, हमारा स्कार्फ जो है वो रेडी हो चुका है। नेट की मैंने आपको बताया था कि मैंने माथा पट्टी लगाई है, तो अब नीचे जो इसकी जो है गोलाई वाली कटिंग की थी उस पर आप फोल्डिंग भी कर सकते हैं, आप लैस भी लगा सकते हैं, अगर हो सके आपका दिल मानता है तो आप जो है वो इस पर पीको भी करवा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, स्कार्फ हमारा रेडी हो चुका है।